पहला स्टेप है डिसाइड योर गोल्स। बट यही सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे मैं अपनी जिंदगी के गोल्स डिसाइड करूं? टाटा स्काई का रिमोट ऑपरेट करना आ गया था या फिर क्या पहली बार में ही व्हाट्सएप या फेसबुक आपने सीख लिया था? नहीं, आपने उसे वक्त दिया था। कि आपका गोल क्या है तो मैं कहना चाहता हूं अपने आप को वक्त दीजिए, आज डिसाइड कीजिए अपने गोल्स और फिर मैं आपको आगे के स्टेप्स बताता हूं कि कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अब जब आप गोल्स लिख चुके हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी पड़ेगी और वो है विजुअलाइजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर कोई सबसे अच्छी भाषा समझता है तो वह पिक्चर्स की भाषा, और इस वजह से आपने जो गोल सेट किए हैं उसे आंखें बंद करके विजुलाइज करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, धीरूभाई अंबानी ने कहा था कि सपने देखिए तो ही वो सपने आप पूरे कर सकते हैं, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि जब आप विजुलाइज करते हैं तो आने वाले फ्यूचर को आप अभी से देख लेते हैं, या फिर सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग में जाते थे तब आंखें बंद करके पहले विजुलाइज कर लेते थे कि आज पीच पर जाके मैं सेंचुरी मार रहा हूं। बस एग्जैक्टली वैसे आपको अपने गोल्स को विजुलाइज करना जरूरी है। अक्षय कुमार जब बैंकॉक में एक शेफ का काम करते थे, जब उनको यह भी नहीं पता था कि वो बॉलीवुड में कभी आएंगे, उन्होंने 3 लोगों के फोटोग्राफ्स लगा कर रखे थे अपने रूम में, जैकी चैन, सिल्वेस्टर स्टेलोन और श्रीदेवी, और आप देखिए कि वो फोटोग्राफ्स का पावर कि उसके बाद वो मॉडलिंग में आए, बॉलीवुड में आए और वो सारे उन रोल मॉडल्स के साथ काम कर लिए जिनका फोटोग्राफ कभी उन्होंने लगाया था। फ्रेंड्स, विजुलाइजेशन के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी चेंज योर लाइफ बुक को पढ़ सकते हैं कि जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 पूरा मैंने विजुलाइजेशन के ऊपर एक्सप्लेन किया है। मगर दिन में 2 बार, सुबह उठने पर, रात को सोने जाने पर 2-2 मिनट का वक्त निकालिए जब आप आंखें बंद करके विजुलाइज कर सके कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर चुका हूँ। गोल सेटिंग का अगर कोई दूसरा पावरफुल स्टेप मैं आपको दे सकता हूँ तो वो है दुनिया की बातें सुनना बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, कुछ 15 मेंढक कूद कर आगे बढ़ रहे थे और उसमें से 5 एक कुएं में गिर जाते हैं। अब वो 5 जो अंदर गिरे वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, मगर दूसरे 10 जो ऊपर बचे हुए हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई तुम रहने दो, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये कुआं काफ़ी गहरा है, तुम्हें पूरी ज़िंदगी अब यहीं पर रहना पड़ेगा। उनकी बातें सुन करके वो 5 में से पहले वाले ने 5 मिनट के बाद कोशिश करना बंद कर दिया, दूसरे वाले ने 10 मिनट के बाद, तीसरे वाले ने 15 मिनट के बाद और चौथे वाले ने 20 मिनट के बाद, और हुआ कुछ ऐसा कि वो 5वां जो था वो कोशिश करते गया, ऊपर जो बचे हुए थे वो कहते हैं कि भाई दूसरे समझ गए, तू क्यों नहीं समझ पा रहा है, तू कितनी भी कोशिश कर ले पूरी ज़िंदगी तू यहीं पर रहने वाला है। लेकिन उसने कोशिश चालू रखी, 1-2 घंटे की मेहनत के बाद वो बाहर निकल आया और सभी हैरान परेशान कि उसने ये कैसे कर लिया, और तब पता चला कि वो जो बाहर निकल आया वो बहरा था, मतलब कि वो सुन नहीं सकता था। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो अपने आसपास के नेगेटिव लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, मना करेंगे, मगर आपको अपने आप को सुनना पड़ेगा। अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, दिल की आवाज़, और आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे दुनिया में हम अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सके उनके गोल्स को अचीव करने के लिए।